and welcome guys, my name is Anish. I have done my post graduation from MNIT Jaipur. Guys, विजयनगर एम्पायर जो था वो डेक्कन में हिंदू रूलिंग डायनेस्टी थी जो कि लगभग 1400 में स्टार्ट हुई थी जब तुगलक्स का रूल था नॉर्दर्न इंडिया में. ओके, सो विजयनगर एम्पायर जो था वो आज का हमारा पेनिनसुलर इंडिया का लगभग हाफ पार्ट कवर करता था. इसमें आपके मॉडर्न डे कर्नाटका पूरा आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, इसके अलावा आंध्रा का कुछ पार्ट और केरला पूरा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है. ओके, ये बहामी किंगडम के साथ इनकी कांस्टेंट राइवल थी क्योंकि एक ही हिंदू रूलिंग था जो विजयनगर का एम्पायर था और बहामी मुस्लिम रूलिंग था. इस टाइम तुगलक थे यहाँ पे, वेरी फेमस दौलताबाद था, दौलताबाद जहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल भी शिफ्ट की थी, इफ यू रिमेंबर. ओके, विजयनगर एम्पायर का हमें पता कहाँ से चलता है, तो सबसे जो बड़ा सोर्स है वो है यहाँ के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. मॉडर्न डे जो हम्पी है वहाँ पे काफ़ी हमें सोर्स मिलते हैं, काफ़ी टेंपल्स हैं ऐसे जहाँ पे इनके रिमेन्स मिलते हैं विजयनगर डायनेस्टी के. और आज का ये मॉडर्न जो बिल्लारी है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, जो उस पर देख के पता चलता है कि वहाँ का जो उस टाइम का जो एरिया था बहुत ही प्रॉस्परस था, बहुत ही रिच था. इसके अलावा जो हमें वहाँ की सोशल और कल्चरल लाइफ है वहाँ का पता कैसे चलता था कि वहाँ के लोग कैसे थे, राजा कैसे थे और अपनी किंगडम को कैसे चलाते थे, ये सब मिलता है वहाँ के लिटरेचर सोर्सेज से. लिटरेचर सोर्सेज बहुत ज़्यादा लिखे गए थे उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे, लैंग्वेजेस में बहुत वेरिएशन थे. इसमें सबसे फेमस जो थे वो तीन थे, अमुक्ता माल्यादा, मधुरा विक्षप और मनुचरित्रम. अमुक्ता माल्यादा जो थी वो फेमस थी क्योंकि ये जो जिसके द्वारा लिखी गई थी वो खुद बहुत फेमस थे. वो बहुत ही जो ग्रेटेस्ट रूलर थे उस टाइम के, उनके कृष्णदेवराया ने लिखी थी. कृष्णदेवराया बेसिकली इसमें बताते हैं हिंदू लॉर्ड विष्णु की शादी एक अलवर पॉइंट से. सो ये उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है इस बुक में. इसके अलावा गंगा देवी ने लिखी थी मधुरा विजयम. मधुरा विजयम का जो मीनिंग है वो है मदुरई का कॉन्क्वेस्ट. ये इन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर लिखी थी कि कैसे वो जो मदुरई है उस सिटी को जीतते हैं. इसके अलावा अलासनी पद्याना ने मनुचरित्रम लिखी थी जो कि इन तीनों में सबसे फेमस है क्योंकि ये बताती है कास्ट सिस्टम के बारे में जो कि नॉर्दर्न इंडिया में भी बहुत ही मतलब चली थी वाली जो बोल सकते हैं. अलासी जो पदाना है ये कृष्णदेवराया की पोइट थे. इसके अलावा गाइस पता चलता है हमें फॉरेन ट्रैवलर्स से, जो फॉरेन ट्रैवलर आए उन्होंने यहाँ के बारे में जो देखा वो लिखा. हम फॉरेन ट्रैवलर्स पे ज़्यादा ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो इंडियन पोइट्स थे हम बोल सकते हैं कि वो दबाव में आके कुछ लिखेंगे, बट हम फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने जो आया जैसा देखा वैसा लिख दिया. तो फेमस फॉरेन ट्रैवलर जो आए उस टाइम के, लगभग 300 साल तक रूल किया तो बहुत से फेमस ट्रैवलर आए थे उस टाइम पे. सबसे फेमस थे इब्न बतूता, जिनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न बतूता. ये मोरक्को के थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे. उनके यहाँ पे इन्होंने काम भी किया था, आप सबको पता है इन्होंने 2 साल तक काम किया था, 1332-1342. इन्होंने अपनी लाइफ के लगभग 30 साल या 40 साल सिर्फ ट्रैवलिंग में ही दिए थे. इनका जो अकाउंट था, इन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा, सबसे ज़्यादा लिखा था हरिहरा डायनेस्टी के बारे, हरिहरा किंग के बारे में जो कि फर्स्ट थे, ठीक है, क्योंकि उसी टाइम पे ये स्टार्ट हुई थी डायनेस्टी. और उन्होंने अपनी बुक रेहिला में इसका बहुत डिस्क्राइब किया है विजयनगर एम्पायर का, ठीक है. इसके अलावा निकोलो डी कॉन्टी थे, इटली के थे, ठीक है. ये एक इटली के मर्चेंट थे जो यहाँ के आए थे. इन्होंने ये आए थे कृष्णदेवराय के टाइम पे. इसके अलावा जो फेमस है वो है अब्दुल रज़ाक देवराया सेकंड के टाइम पे आए थे. अब्दुल रज़ाक पर्शिया के थे, पर्शिया के किंग थे उस टाइम. पर्शिया में उस टाइम त्रिमू डायनेस्टी थी और उनके रूलर जो थे वो थे शाहरुख. ओके, अब्दुल रज़ाक पर्शिया के थे. नेक्स्ट इज़ डोमिंगो पेस पोर्तुगीज ट्रैवलर थे. गाइस एक चीज़ यहाँ पे आ चुकी है जो इम्पोर्टेंट थी कि पोर्तुगीज आ चुके हैं. 1948 में वास्को डी गामा ने सी रूट ढूंढ लिया था इंडिया के लिए, तो ट्रेड यहाँ से बढ़ चुकी थी. और पोर्तुगीज़ का ये था कि पोर्तुगीज़ के पास दो ऑप्शन थे, या तो बहामी किंगडम के साथ जाएँ, विजयनगर के साथ जाएँ. तो विजयनगर के बहामी किंगडम के साथ उनकी आते ही कुछ लड़ाई हो गई थी, तो वो विजयनगर के साथ उनके ज़्यादा अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे. पॉलिटिकल हिस्ट्री गाइस, विजयनगर किंगडम जो था वो 4 डिफरेंट डायनेस्टीज से मिलकर बना था. फर्स्ट थी संगमा सालुआ,
तुलुआ और अरविंद, जिसमें से संगमा और तुलुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोस्टली राजा आए थे वो यहीं के थे, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए या फिर जिन्होंने फेमस काम किए वो संगमा और तुलुआ के ही थे। संगमा डायनेस्टी बेसिकली स्टार्ट करती है विजयनगर एम्पायर में को, जिनमें दो जो इनके जो फाउंडर्स थे देवर ब्रदर्स, हरिहरा वन एंड बुक्का वन। जो बुक्का वन थे वो पहले रूल करते हैं, उसके बाद हरिहरा रूल करते हैं। तो स्टोरी ऐसी थी कि ये वारंगल में काकातीय रूलर्स के अंडर काम करते थे और इनको फिर ले जाया गया नदर्न इंडिया में, इनको किडनैप कर लिया गया। फिर बाकी इनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, इनका रिलीजन चेंज करके इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। समहाउ दे एस्केप्ड और जब वापस इंडिया आए तो इनके जो गुरु थे उनका नाम विद्यारंजन था, तो उन्होंने इनका वापस से हिंदू बनाया, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपनी जो सिटी बनाई उसका नाम विद्यानगर रख दिया, विद्यानगर रख दिया। और ये कहाँ पर था, इसके मतलब मेन लोकेशन थी वो थी तुंगभद्रा रिवर, जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। हरिहरा वन और बुक्का वन का बस इतना ही वो था कि इन्होंने स्टार्ट की ये डायनेस्टी। और इसके बाद जो फेमस रूलर आए वो थे देवराया सेकंड, जो कि ग्रेटेस्ट किंग थे संगमा डायनेस्टी के। गाइज हरिहरा वन और बुक्का वन को हम ग्रेटेस्ट किंग नहीं मानते हैं, देवराया वन को मानते हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया। ये बहुत ही ब्रेव थे, इनको टाइटल भी दिया गया था गजा बेटा गारा का। गाइस गजा बेटा गारा का मतलब होता है द हंटर ऑफ एलिफेंट, ओके, दैट वाज नॉट लिटरल टाइटल, ये सिर्फ मीनिंग होता है दिखाने के लिए कि ही वाज वेरी ब्रेव। उन्होंने अपने जो आर्मी थी उसमें मुस्लिम सोल्जर्स को लिया, मुस्लिम सोल्जर्स को लेने के लिए वजह थी गाइस कि जो इनकी राइवल्स थे बहामी किंगडम वो हिंदूज़ को एम्प्लॉय कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको देख कर मुस्लिम्स को एम्प्लॉय किया अपने अंदर। नेक्स्ट सलुआ डायनेस्टी, सलुआ डायनेस्टी जो सलुआ नरसिम्हा देवा राया थे वो पैटर्न थे सेन जो संत श्री पदार सिद्धि पदार राया के। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इनका इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म होते होते इनके दो माइनर संत थे जिनको ये एज अ सक्सेसर छोड़ के जाते हैं अपने मिनिस्टर के पास जो कि बहुत लॉयल थे इनके, तुलुआ नरसा नायका। तुलुआ नरसा नायका बाद में जाके अपनी डायनेस्टी शिफ्ट करते हैं। फिर होता क्या है कि इनके माइनर सन्स को कोई मार देता है, मतलब वो एबल नहीं होते रूल करने के लिए। तो जब इनको मार देते हैं तो नरसा नायका के पास कोई ऑप्शन नहीं बनता, तो वो अपने बेटे को ही राजगद्दी पर बिठा देते हैं। इसके सलुआ डायनेस्टी के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पुर्तगीज़ के साथ रिलेशन बनने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि इसी टाइम वास्को डी गामा भारत आए थे। तुलुआ डायनेस्टी वीरा नरसिम्हा राया जो कि बेटे थे तुलुआ नरसा नायका के, वो तुलुआ डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर में। और इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं कृष्णादेवराया। कृष्णादेवराया बहुत ही फेमस है, जिनको ग्रेटेस्ट किंग ना ही सिर्फ तुलुआ डायनेस्टी का बल्कि पूरे विजयनगर एम्पायर का ही ग्रेटेस्ट किंग बोला जाता है। और इनका ये बात है कि इन्होंने पोर्चुगीज़ के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन थे इनके साथ। तो एक बात है, अगर किसी के पोर्चुगीज़ के साथ मतलब बाहर की कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन हुए तो ट्रेड रूट्स में बेनिफिट होगा, ठीक है। इनको इनकी मतलब बहुत ही बड़े विद्वानी थे, आर्ट और लिटरेचर की बहुत बड़े पैटर्न थे। तो इनका क्या था कि इनको टाइटल मिला था आंध्रा भुजा का। हाँ, इनके कोर्ट्स में जो पॉइट्स थे, जो 8 फेमस पॉइट्स थे, उनको अष्टा दिग्गजास बोला जाता है। और जिनमें से सबसे जो फेमस थे वो थे अलासनी पदाना, जो कि ग्रेटेस्ट थे। इन्होंने बहुत ही फेमस टेंपल बनाए जिसमें सबसे फेमस थे वो है कृष्णा स्वामी, हजारा रामस्वाय और विठ्ठल स्वामी टेंपल, जो कि इन्होंने सब विजयनगर में बनाए, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट रूलर थे इनके वो थे अल्लया रामा राया। अल्लया रामा राया को बेसिकली राइट हैंड बोला जाता था कृष्णादेवराया के। इनके सन इन लॉ है, कहीं कहीं भी लिखा गया है इनके भाई भी थे, बट ये इनके सन इन लॉ है, ये ज़्यादा अच्छे हुए हैं, ओके। इसके अलावा इसमें क्या हुआ, इसमें बैटल ऑफ तालीकोटा हुई जो कि 26 जनवरी 1565 को हुई। इसको राक्षसा तंगड़ी भी बोला जाता है उनकी लैंग्वेज में, ओके। सो विजयनगर एम्पायर अकेला था, इसके अलावा जो राइवल थे वो सारे इकट्ठा हो गए इसके अगेंस्ट। डेक्कन की पूरी सल्तनत मिल गई, जिसमें था अहमदनगर, ऑब्वियसली बहामी किंगडम के अलावा अहमदनगर, बीदर, बीजापुर और गोलकोंडा। उन्होंने सब में जब मिलकर अटैक किया तो विजयनगर हार गया, और यहीं से विजयनगर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। लास्ट डायनेस्टी जो आती है वो थी अराविदु डायनेस्टी। ये इतने एबल रूलर नहीं थे बट फिर भी ये काफ़ी लंबे टाइम तक रूल कर जाते हैं। ये लास्ट हिंदू डायनेस्टी थी जिसने रूल किया साउथ इंडिया पे। इसके फाउंडर थे थिरुमाला और जो लास्ट रूलर थे वो थे श्री रंगा द थर्ड। ये लास्ट हिंदू रूलर भी थे, डेक्कन भी थे बोले जाते हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन एक सेंट्रलाइज्ड वन था कि किंग के पास सारी अथॉरिटी होती थी। इसके अलावा वहाँ पे किंग के जो नीचे काम करता था वो गवर्नर था, उसका फंक्शन ऐसा ही होता था जैसे कि आज के गवर्नर का होता है, या जैसे गवर्नर और सीएम का रिलेशन होता है उसी टाइप में, वैसा ही उस टाइम में किंग और गवर्नर का रिलेशन था। इसके अलावा किंग की अपनी 6 या 7 मेंबर्स की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, जिसमें ये बेसिकली वो 3 कास्ट जो अपर कास्ट थी उनसे ही लिए जाते थे। इसमें शूद्रराज को परमिशन नहीं होती थी कि वो पार्ट ले सकें, ठीक है। इसके अलावा जो था उनका ऑफिस ऑफ मिनिस्टर, वो हेरिडिटरी, मतलब बोला जाता था कि वो हेरिडिटरी है बट ऐसा नहीं था। मतलब हमने काफ़ी बार देखा है कि सिर्फ बड़े बेटे को ही नहीं बल्कि मिनिस्टर के बेटे जो थे वो भी राजा बनते हैं, ओके। सो हेरिडिटरी था लेकिन हमेशा फॉलो नहीं होता था। इसके बाद विजयनगर जो एम्पायर था वो 6 प्रोविंस में डिवाइड था, जैसे कि स्टेट बोल सकते हैं, ओके। हाँ, एक और था कि वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट था। गाइस एक बात देखी जाए कि अगर कोई बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करता है तो उसके पास बहुत ही ज़्यादा दबाव होता है कि वो आर्मी अच्छी रखे, मतलब अगर वो कॉन्स्टेंट वॉर में हो, ठीक है, तो उसका आधा से ज़्यादा खर्चा तो उसमें आर्मी को मेंटेन करने के लिए जाए। तो पैसा आए कहाँ से? पैसा आता था सारा रेवेन्यू सिस्टम से, और वो सारा कौन झेलती थी? वो सारा वहाँ की जनता झेलती थी। इनके वेल्थ टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे जो इन पे यहाँ की जनता पे लगाए जाते थे, तो जनता इतनी भी खुश नहीं थी इनसे। इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, बेसिकली 4 कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्याज एंड शूद्रास। और निकोलो डी कॉन्टी ने बताया कि यहाँ पे स्लेवरी थी। निकोलो डी कॉन्टी ने एक और बात लिखी थी कि यहाँ का फोर्टिफिकेशन बहुत तगड़ा था, इवन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जो किंग का जो मेन पैलेस था उसके आगे 7 फोर्टिफिकेशन थी। अब ऐसा कोई सबूत हमें मिलता नहीं है बट फिर भी लिखा गया है तो मे बी हो, ओके। इसके अलावा स्लेवरी सिस्टम था वहाँ पे, स्लेवरी सिस्टम का भी श्योर नहीं है, बिकॉज जो डोमेस्टिक जो वर्कर होते थे उनको भी काफ़ी बार स्लेव्स बोलते थे ये लोग। संगमा रूलर का जो चीफली सेवाइट्स थे, शिव की पूजा करने वाले थे, जबकि जो बाकी डायनेस्टीज थी वो सब वैष्णवाइट्स थी, वैष्णव की पूजा करने वाले। और शिव की एक और फॉर्म जिसका नाम है वृक्षखा, उसकी पूजा की जाती थी। वृक्षखा कई टेम्पल भी है फेमस, जो कि कृष्णा देवराय ने बनवाया है, ओके। और इसके अलावा एक और चीज़ थी कि मुस्लिम्स को एम्प्लॉय करती थी, जो कि मैंने बताया कि बहामी किंगडम की वजह से करते थे। बट एक और चीज़ थी कि मुस्लिम्स को बहुत फ्रीडम थी, आई मीन रिलीजियस बहुत फ्रीडम थी कि वो अपना धर्म के मेंटेन रख सकें, मतलब पूजा कर सकें अपने अकॉर्डिंग, मॉस्क बना सकें और वर्शिप कर सकें, जैसे कि उन्हें फॉलो करना है जो वो कर सकें, ओके। इसके अलावा पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेंस की पोजीशन मतलब बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी थी बट कमी भी थी। जैसे कि वुमेंस को आज़ादी थी पॉलिटिकल, सोशल और लिटरेरी लाइफ में, कि हमने पढ़ा था कि गंगा देवी जो थी वो उन्होंने एक बुक लिखी थी, ओके। तो इससे पता चलता है कि वुमेंस वर एजुकेटेड एट दैट टाइम। इसके अलावा एम्प्लॉयड थी वुमेंस को गाइज ना ही सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स में रखा जाता था बल्कि वुमेंस को हायर स्टेटस भी दिया जाता था, मतलब वुमेंस को एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी लिया जाता था, ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी वुमेंस की जगह दी जाती थी। और वुमेंस का स्टेटस इनसे देखा जाता है कि कंपेरिजन टू नदन इंडिया इट वॉज गुड एक्चुअली, ओके। इसके अलावा देवदासी सिस्टम में होता क्या था कि टेम्पल में जो लोग होते हैं मिडिल क्लास, यूजली मिडिल क्लास या लोअर क्लास, वो अपनी बेटी को दान देते थे एज अ गिफ्ट, ठीक है, एज अ गिफ्ट दे डोनेट देयर डॉटर्स, ओके। तो जो लड़की होती थी वो पूरी अपनी लाइफ मंदिर की सेवा में लगाती थी, मंदिर की पुजारियों की सेवा में लगाती थी, ठीक है। ये अभी भी न्यूज़ में था काफ़ी कि तमिल गवर्नमेंट ने बैन कर लिया है बट तमिलनाडु से फिर भी केसेस आ रहे थे इसके लेके, ओके। इसके अलावा पॉलीगैमी थी जो कि हायर क्लासेस में होती थी, सती प्रथा भी काफ़ी थी, तो इन सब होने के बावजूद भी देशर्थ की हाई पोजिशन था, ओके। कल्चर कंट्रीब्यूशन, विजयनगर एम्पायर जो था कॉम्बिनेशन था चालुक्य, होसराज, पांड्या, चोला स्टाइल का, मींस एक ही स्टाइल नहीं मिक्स था इसमें, ओके। यहाँ के टेंपल्स थे जो वो सब ही एक स्टाइल में फॉलो करते थे, बट फिर भी देखा जाए तो बहुत ही मैग्निफिसेंट था। बेसिकली जो यहाँ के रूलर थे वो टेंपल्स बनाने में ध्यान देते, और इसका एक रीज़न भी है कि उस टाइम पे टेंपल्स सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं बल्कि मीटिंग्स के लिए या फिर जो काउंसिल्स वगैरह होती थी उनके लिए भी जो प्लेस जो रखे जाते थे, जगह जो थी वो सब टेंपल्स में ही, क्योंकि यहाँ पे लोगों का आना जाना होता था और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस थे कि वो कॉमन मतलब जो जनता है उसके साथ ज़्यादा अच्छे से मिल पाए। इसके अलावा टेंपल आर्किटेक्चर जो था वो सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पे अपनी विजयनगर किंगडम के पास के टाइम पे पहुंचा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टेंपल्स के जो एग्जांपल मिलते हैं वो सब विजयनगर के टाइम पे मिलते हैं,
इसके अलावा गाइस एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो है कि कौन सा ऐसा जानवर है जो कि सबसे ज़्यादा दिखता है बिल्डिंग्स के मतलब दीवारों पे, पिलर्स पे, तो वो है हॉर्स। ओके हाँ, दिस इज़ विजयनगर, सॉरी दिस इज़ विरूपक्ष का टेम्पल। इस टेम्पल की खास बात है कि जब धूप पड़ती है तो आई मीन इस टाइम पे एक ऐसा टाइम इस मतलब दिन का एक ऐसा टाइम आता है जब सिर्फ जो मेन डाइटी हैं शिवा, उन्हीं के ऊपर धूप आती है, बट पता नहीं चलता कि धूप मतलब आ कहाँ से रही है, जो सनरेज है वो पड़ कहाँ से रही है उनके ऊपर। ओके इसके अलावा श्रीन ऑफ हज़ारा रामा टेम्पल जो कि हम्पी में है, हम्पी 350 किलोमीटर दूर है बेंगलोर से, जो कि मॉडर्न इंडिया नॉर्दर्न कर्नाटका में है। ओके तो इस टेम्पल की एक और ख़ास बात है, हाँ ये टेम्पल बनवाया था कृष्णदेवराय ने। इस टेम्पल की खास बात है कि जब हम इसके पिलर्स को ध्यान से मतलब सुनते हैं अगर इन पिलर्स को आवाज़ तो इसमें से म्यूज़िक की आवाज़ आती है। ओके ओके दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।